Assalamualaikum नाज़रीन, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी host Aleena Haroon. जी तो आज हम हैं Fortress के shopping mall में, क्योंकि ये mall आपको बहुत पसंद है और आप लोग demand करते हैं कि हम इस mall में जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएं. तो इसलिए हम ज़्यादा time जो है वो इस mall में spend करते हैं. तो आज भी बहुत जो है वो हम प्यारे प्यारे लोगों से बातें करने वाले हैं और उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे इनाम देने वाले हैं और उनका छुपा हुआ टैलेंट स्क्रीन पर लाने वाले हैं. तो देखते हैं आज का दिन हमारा जो है वो कैसा रहता है. और जी हाँ, और हमने कोशिश करनी है कि हम एंड में जो है टैलेंट ऑफ द डे भी देखें. अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं जो मुझे याद रह जाते हैं, जिन्होंने कोई ऐसी वॉइस होती है. जैसे कुछ दिन पहले फोर्ट्रेस स्क्वायर में ही, शायद पता नहीं सेकंड फ्लोर की बात है, एक लड़का था, उसने गाना सुनाया था और लग ही नहीं रहा था मुझे कि मैं लाइव सुन रही हूँ. मुझे लग रहा था प्लान्ड है, मतलब बना हुआ है और जैसे कोई ऑडियो प्ले की हुई है. इतनी अच्छी उसकी वॉइस थी. और जैसे कि मैंने आपको बताया, टैलेंट ऑफ द डे का मतलब कहीं ये नहीं है कि सिर्फ सिंगर ही हो सकता है. यू कैन शेयर एनी थिंग जो कुछ खास हो, जिसमें कोई डिफरेंट हो. तो देखते हैं आज का खास इंसान कौन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? मेरा नाम कायनात. कायनात क्या करते हो? मैथ स्टडी कर रही हूँ, बीएस इंग्लिश कर रही हूँ. ओके, अच्छा लग रहा है. थैंक यू. आज कैसे आना हुआ? आज बस ऐसे ही अचानक से प्रोग्राम बन गया फ्रेंड के साथ. उसकी यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे गई थी, वो कैंसिल हो गया तो इधर आ गया अचानक से. कैंसिल क्यों हुआ? वो ये था कि हमारा कैंपस चेंज है तो हमें जाने नहीं दे रहे थे. मैम ने मना कर दिया था कि ये बंक करके आए हैं, मेरी परमिशन के बगैर आए. तो ऐसे अचानक से बस फुल रेडी होकर उधर गए. आया बहुत ज्यादा, अब तो दिल कर पूरा हफ्ता बंक करके मैम को दिखाया कि बंक करना किसको कहते हैं. गलत बात, आने देना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस वो बड़ी सरियल थी मैम, मैं क्या बोलूं. चले कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. आप लोग खुद पार्टी शार्टी करें? खुद कर रहे हैं, कर रहे हैं. चले जी, मुझे बताएं कि इंसान जमाई क्यों लेता है? जमाई क्यों लेता है? जब नींद आए, यानी कि किस बॉडी में किस चीज को कम करने के लिए लेता है, मतलब खुद ब खुद आपको अक्सर कंट्रोल नहीं होता. हाँ, क्लासरूम में खास तौर से उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं होता. अच्छी बात है, लेक्चर के दौरान तो हो रहा होता है. तो बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको कम करने के लिए इंसान जमाई लेता है? बॉडी में से सुस्ती के लिए, जब सुस्ती हो रही हो या नींद आ रही हो तब भी लेते हैं. तो बॉडी में से क्या कम करना होता है? रियल? हाँ जी रियल है. तो दूसरे आती हूँ उसके टूट जाते हैं, उसके नहीं भरते. ओके, क्या सुनाएंगे? मैं ब्यूटी टिप्स शेयर कर देती हूँ. जी, आजकल हेयर फॉल का मसला बहुत आम है, तो जिनके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो और कंट्रोल ना आ रहा हो किसी भी ऑयल से, बल्कि आज की कोई ऑयल इतना मेरे ख्याल से इफेक्टिव होता ही नहीं है, तो जो रेमेडी मैं शेयर करी बहुत इफेक्टिव है. आपने 2 टेबल स्पून जो है अनियन का जूस, अनियन का जो रस होता है वो निकाल लें, उसको चाहे आप चॉप कर लें, चाहे आप उसको अच्छे से उसको मतलब कूट के निकाल लें. और 2 टेबल स्पून आपने जो है अदरक का जूस निकाल के इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके 30-45 मिनट के लिए सर पे लगाना है. और वीक में आप मैक्सिमम 2 टाइम आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मंथ में या विद इन 2 मंथ आपके रिजल्ट सामने होगा. वेरी नाइस. आपने खुद ट्राई किया? हाँ जी, मैंने ट्राई किया और मैं कर भी रही हूँ. पहले मेरा बहुत हेयर फॉल था, अब बहुत कम हुआ है. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू. यू वेलकम. जी, इन्होंने जो है वो हेयर फॉल की टिप दी है. आई थिंक अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी नाइस टिप, क्योंकि हेयर फॉल जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा, सर्दियों में लोगों को बहुत हेयर फॉल होता है. काफ़ी दफ़ा मैं क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ तो मैंने पढ़ा है कि लड़कों को इवन सर्दियों में बहुत हेयर फॉल होता है, ख़ासतौर से जब वो पिलो पे सर रखा होता है तो ऐसे बाल से होते हैं. तो आप जो है ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि एक दफ़ा जब बाल टूटना शुरू हो जाते हैं तो फिर और टूटते हैं. और आप ना, मैं अपनी आजमाई हुई बात बताऊँ, बालों पे ना माशाल्लाह ज़रूर पढ़ के फूका करें, क्योंकि इससे ही भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा. और इसके अलावा जो लड़की ने टिप बताई वो तो आप ट्राई करते हैं. आप अंडा ज़रूर लगाएं बालों पर, वाइट वाला योक निकाल कर. आप योगर्ट लगाएं बालों पर. आप विटामिन ई के कैप्सूल लगाएं बालों पर. और जी, बड़ी तरह की चीज़ें होती हैं. अच्छा, अगर आपने अपने बाल बहुत अच्छे करने, आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं अपने बालों पर.
اس طرح کی آپ چیزیں اپلائی کریں تو آپ کے بال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سائرہ. عقیل. آپ کا نام بیبی؟ اپنا نیم بولو. نیم بولو. بولو بیٹے. نیم کیا آپ کا؟ اور کون سی کلاس میں؟ سر بتاؤ کون سی کلاس میں. اوکے جی چلیں جی. مجھے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کام کرتا ہوں, میں اکاؤنٹنٹ کا. ویری نائس. سر آپ؟ میں ہاؤس وائف. آج کیسے آنا ہوا بھائی؟ بس یہاں پہ بچوں کو لے کے آئے تھے ذرا آج نا, تو کچھ چھٹی تھی آج میرے کام کی تو بچی کو لے کے آئے تھے سر. اوکے. اور آپ اسی لیے؟ ہاں جی. شاپنگ کی؟ نہیں ابھی کریں گے. ابھی آئے ہیں. چلے جی. زیادہ تر شاپنگ آپ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں؟ یہ لیڈیز ہی کرتی ہیں. ہاں جی جی. منتھ میں جاتی ہیں یا ٹو منتھس میں یا ویکلی؟ جب ضرورت ہو. ویسے تو منتھ میں جاتے ہیں اسٹارٹنگ میں. اوکے جی چلے. مجھے بتائیں انسان کی باڈی کا وہ کون سا پارٹ ہے جو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا؟ جو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا کریں ٹرانسپلانٹ. آئی تھنک برین. کیا شیئر کریں گے؟ سانگ. ایک تمہیں چاہنے کے علاوہ اور کچھ ہم سے ہوگا نہیں. نائس. آئیں ادھر. پوائنٹس نائس. سامنے دیکھیں. اونچی آواز میں سناؤں. اونچی آواز میں. ویری نائس. اور آپ کیا شیئر کریں؟ میں ریسیپی شیئر کروں گی. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم گھر میں فش بنائیں اس میں ہم چاول اگر ہم مسالے میں تھوڑے سے پیس کے ڈال دیں نا, نمک مرچ ادرک لہسن کے ساتھ ساتھ, تو اس سے فش بڑی کرسپی بن جاتی ہے. اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. کرسپی کرسپی اس کی لیئر بن جاتی ہے. یہ سب سے اچھا کیا بناتی ہے؟ یہ سب سے اچھا بریانی اچھا بناتی ہے. ہاں جی. ان کو کیا پسند ہے؟ بریانی. بریانی. اوکے. آپ کچھ بنا لیتے ہیں؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. چائے بھی نہیں؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں. اوکے جی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. یو ویلکم. جی بہت سویٹ سی فیملی تھی. بڑا مزہ آیا جی. ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ شوق سے بریانی بنواتے ہیں. جی خیر, بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ سے جو ہے وہ شوق سے کوئی بنوائے. خیر میرے ہسبینڈ تو مجھ سے پہلے تو ہمیشہ میری مما سے بنواتے تھے شوق سے, کیونکہ میری مما دنیا کا سب سے اچھا کھانا جو ہے وہ بناتی تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مٹن ان جیسا جو ہے میں کہتی ہوں واقعی کوئی نہیں بنا سکتا تھا. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم میں ہارون آئی ایم گڈ, آئی ایم ویری گڈ ان کوکنگ. میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں جب کبھی بناؤں منتھ میں ایک دفعہ ٹو منتھس میں. لیکن جو ابھی بھی میں مس کرتی ہوں کہ ہارون جو ہیں وہ ویسے انجوائے نہیں کر رہے یو نو جسے کرنا چاہیے. تو اسی طرح جیسے انہوں نے بتایا کہ بریانی بنوائی ان کے ہسبینڈ. جو آپ چیز جو ہے نا خود بنواتے ہو نا وہ زیادہ آپ مزے سے کھا سکتے ہو. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میں مسز منیش ندیم. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں آئی ایم وی پی ان پرائیویٹ اسکول. او ویری نائس. جی آج کیسے آنا ہو گیا باہر؟ بس شاپنگ بچوں کے ساتھ. کیا کیا خریدا؟ ابھی تو اسٹارٹ ہے, ابھی تو آئے ہیں. لینے کے آئی ہیں؟ ونٹر کلیکشن. چلے جی, آپ کو سجیشن دیتی ہوں ڈارک کلر لیجیے. شیور شیور. سردی میں ڈارک کلر میں آپ بہت بلیک براؤن. گرمی میں جیسے فیروزی لائٹ گرین. ایگزیکٹلی. سردیوں میں ڈارک کلر ود ڈارک لپسٹک اینڈ یو لک بیوٹیفل. چلے جی سوال کرتے. ٹھیک ہے جی جی. مجھے بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی آنکھ نہیں جھپکاتا یعنی کہ بلنک نہیں کرتا ایسے؟ آئی تھنک آؤل. اسکپ دی کوسچن. نو نہیں. آئی وڈ لائک ٹو سنگ اے سانگ. ویل لیٹس ٹرائی ایٹ لیسٹ. لیٹس ٹیک اے گیس. ایگل. برڈ نہیں ہے. اچھا جاندار ہے, لیونگ چیز ہے پر برڈ نہیں ہے. نو آئیڈیا. کیا سنائیں گی سانگ؟ یہ زمین گا رہی ہے آسمان گا رہا ہے ساتھ میرے
ये सारा जहां गा रहा है. I think Indian song, yeah. Indian song, yeah. Indian song, hai ji. Lahore News ki taraf se aapke liye. Thank you. You're welcome. Achhi voice thi inki, magar inko aage gana nahi aata tha. Achha, kabhi kabhi jo itni fazool awaazein hoti hain aur unke gaane hi khatam nahi hote. Aur aaj jaise ki awaaz achhi thi, magar gana jo hai wo munna chunna sa tha. Khair, abhi hum kisi aur se baat karte hain aur dekhte hain ki wo hame kaisa gana sunata hai. Assalam alaikum. Walaikum salam. Kya naam? Sayyida Alishba. Alishba ka kya matlab? Alishba ka matlab hota hai aks. अक्स. अलिशबा क्या करते हो आप? मैं बीएस कर रही हूँ. किस चीज़ में? पाक स्टडी. सीरियसली? इट्स प्रीटी डिफिकल्ट राइट? लेकिन मुझे इंटरेस्ट है. डेट्स याद हो जाती हैं? हो जाती हैं. और वो जो कहते थे बचपन में हर दफ़ा याद करने पड़ते थे 14 नकात, वो याद हो? वो मैंने आज तक किए ही नहीं. अभी भी नहीं आते? नहीं. पक्का? मुझे नहीं आते, मैंने आज तक किए ही नहीं. बीएस कर रही हो? ओके. अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है. ओके, तो 4 ईयर्स? जी. लॉन्ग टाइम. चलो जी, मुझे बताओ आज इधर कैसे आना हो? आज मैं आए थे शॉपिंग करने. आए क्या लेना? विंटर कलेक्शन के लिए ना आज निकले हैं, तो मतलब अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो अभी देखेंगे. चलें, गुड हो गया. सवाल किया जाए आप मुझे, आप ये बता दें, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, करो. फेस. क्या बड़ा नहीं, छोटी चीज बताओ ना. छोटी चीज. टंग. हाँ, वो भी नहीं हो सकती. लेकिन वो तो देखो, ट्रांसप्लांट वो चीज होती है मतलब जैसे हमारे निकाल के दोबारा डाली जाए, तो इस तरह ऐसी कौन सी चीज है जिसका एक हिस्सा तो किया जा सकता है मगर दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता, इस टाइप की, यू नो. अब आपको हाथ तो वो तो नहीं हो सकता ना. मतलब हमारी एक किडनी एट अ टाइम एक ट्रांसप्लांट हो सकती, दोनों नहीं हो सकती. नो. क्या सुना? मैं एक टिप शेयर करूँगी. मतलब मुझे सिर्फ चावल बनाने आते हैं, तो मैं ये कब बताऊँगी कि ना जब हम लोग चावल बनाते हैं ना, वाइट चावल, तो उसमें थोड़ा सा अगर हम विनेगर डालेंगे ना, तो वो बहुत मतलब फ्लफी से बन जाएंगे. बॉयल राइस? जी, बॉयल राइस. अच्छा, सिर्फ बॉयल राइस बनाने आते हैं? और मतलब ऑमलेट, मैगी, बस. चलो, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. यू वेलकम जी. इन्होंने जो है बताया कि इनको सिर्फ चावल बनाने आते हैं. वेल, अगर चावल में विनेगर वाली बात की उन्होंने, तो चावल जो है वो बहुत ज्यादा फ्लफी बनेंगे, जैसे मिनियन में कहते हैं सो फ्लफी आई एम गोना डाई, वैसे वाले बनेंगे चावल. फिर आप भी यही बोलिएगा. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? रिमशा. रिमशा, अच्छे लग रहे हो. थैंक यू. ये सर पे क्या बांधा आपने? ये मेरे यूनिवर्सिटी में ना थीम था डाकू थीम, तो वहाँ से फ्री होके फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, ये थीम था हमारा. ओके, ठीक है. अच्छा, कभी जिंदगी में मौका मिलता तो डाकू बनती है सर में? ना ना, मैं तो डॉक्टर बन रही हूँ, डाकू कैसे बनती है. चलो जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ओके. मुझे बताओ कि वो कौन सी जानदार है जो अपनी आईज ब्लिंक नहीं करता, ऐसे झपकाता नहीं? उल्लू. स्नेक. हाउस फ्लाई. सॉरी. अभी डॉक्टर बनने कितनी रह गई पढ़ाई? 2 ईयर्स अभी रहती है. तो क्या सोचा, किस चीज़ की डॉक्टर बनना? मैं DPT कर रही हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी. और फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं. खुद ही शौक आया? पापा को शौक था बहुत ज़्यादा, पापा मेडिकल में थे ना, तो उनका बस वो एम फिल किया उन्होंने बॉटनी में, तो अब उन्होंने मुझे आइडिया दिया, उनका बहुत शौक था. वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक. चलिए जी, क्या सुनाएंगे आप? मैं ब्यूटी टिप शेयर कर सकती हूँ. अगर आपको फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो ब्यूटी टिप ये है कि आप एलोवेरा जेल लें, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस और उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको पिंपल्स निकले हुए हैं, तो आपको पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे. बहुत हेल्पफुल है ये. वेरी नाइस.
अच्छा मुझे बताओ एलोवेरा जेल को मुझे मोटी मोटी होती है ब्लेंड करने है वैसे ही? ब्लेंड करके उसमें लेमन जूस आपने हाफ लेके उसमें करना है, निचोड़ना है उसको ना, और फिर मतलब कि एक चुटकी सॉल्ट लेके उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगाएंगे तो एक दिन में आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। तो सॉल्ट चुभेगा नहीं? नहीं नहीं। नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये वेलकम जी। हाँ जरूर, एक मिनट जी। बड़ी प्यारी सी डाकू बनी हुई थी एक लड़की, बड़ा अच्छा लगा, उससे हमने बात की और उसने जो पिंपल के लिए आपको बताई है टिप, यू मे ट्राई क्योंकि इसमें कोई डेंजरस नहीं है। लेमन, एलोवेरा जेल, एवरीथिंग इज नेचुरल, सो यू कैन ट्राई। अगर आपको कभी डर लग रहा होता है ना कि देखो मैं ये चीज़ ट्राई करूँ पता नहीं मेरी स्किन पे सूट करे या ना करे, तो आप अक्सर क्रीम्स के पीछे लिखा होता है हाथों पर ट्राई करके देख लें। नो, हाथ की स्किन, पाँव की स्किन 7 times स्ट्रॉन्गर होती है आपके फेस से। सो आप जो चीज़ बनाएं उसको आप अपने यहाँ कान के पीछे या गर्दन पे लगा लें थोड़ा सा पीछे करके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो इफेक्टिव है या ये डेंजरस है, क्योंकि फेस और गर्दन की ऑलमोस्ट जो है वो नियर होती है। सो आप यहाँ ट्राई किया करें, ठीक है जी। नाज़रीन, टाइम हो गया एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।